हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई होप दिस वीडियो फाइंड्स यू इन अ ग्रेट मूड। फ्रेंड्स, आज बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। फ्रेंड्स, आज बात करते हैं ट्यूबलेस टायर्स की। इतनी सारी एडवांटेजेस होने के बावजूद आज भी ट्यूब टायर्स क्यों रिलेवेंट है। ओके, ट्यूबलेस टायर्स किस सिचुएशंस में यूज़ होते हैं और ट्यूब टायर्स किस सिचुएशंस में यूज़ होते हैं, कौन से मोटरसाइकिल्स में यूज़ होते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो आपको इसका नॉलेज होगा तो यू विल बी एबल टू मेक अ राइट wise decision while buying a new motorcycle. Okay, very quickly, if you like the video do hit the like button, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है do consider subscribing. Let's start the video. So friends, tubeless tires और tube tire के बारे में पहले ये जानते हैं वो होते क्या है। Okay, mostly I think सबको पता होगा but let me just repeat. So tubeless tires क्या होते हैं, जिसपे ट्यूब नहीं होती है, राइट। टायर का जो रिम होता है, टायर का जो सरफेस होता है, अलॉय व्हील बोलिए, उसके और टायर के बीच में हवा होती है, राइट। ट्यूब नहीं होती है, डायरेक्ट हवा होती है, दैट इज़ ट्यूबलेस टायर्स, राइट। ट्यूब टायर क्या होता है, जो रिम होती है, ओके, टायर का जो सरफेस होता है, स्पोक व्हील बोलिए, रिम बोलिए, उसके और टायर के बीच में ट्यूब होती है और वो ट्यूब को इन्फ्लेट किया जाता है, ट्यूब में हवा भरी जाती है, राइट। दैट इज़ कॉल्ड एज ट्यूब टायर्स। ओके, ट्यूबलेस टायर्स का एडवांटेज क्या है फ्रेंड्स, सबसे बहुत सारे हैं, पहले वो देख लेते हैं। ओके, देन वील कम टू ट्यूब टायर्स और कौन सी सिचुएशंस में वो यूज़ होते हैं। सो ट्यूबलेस टायर्स जो है फ्रेंड्स, उसमें हवा स्लोली निकलती है, राइट। फ्लैट नहीं हो जाता है, ट्यूब टायर्स एकदम फ्लैट हो जाते हैं, राइट। ट्यूबलेस टायर्स में स्लोली हवा निकलती है, यू गेट टाइम टू रिएक्ट। आप उसको जाके पंचर बनवा सकते हैं, उसमें आपको राइड कर सकते हैं। जैसे वो स्लो निकलती है तो आप राइड कर सकते हैं उसको, राइट, या हवा भर के जाके फिर आप पंचर बनवा सकते हैं। ओके, ट्यूब टायर्स में वो आपको रिएक्शन टाइम नहीं मिलता है, वो फ्लैट हो जाता है। जैसे ट्यूब में होल हुआ, नेल गया, फट जाता है वो, राइट, हवा निकल जाती है। ओके, नाउ तो ये एडवांटेज हो गया, यू गेट रिएक्शन टाइम। यहाँ पे आपको रिएक्शन टाइम नहीं मिलता। अगर आपका रास्ते पे गाड़ी पंचर हो गई ट्यूब वाली तो आपको दिक्कत हो सकती है, राइट। आप उसको धक्का भी नहीं दे सकते हैं बिकॉज टायर फट जाएगा, ट्यूब तो फट ही जाएगी, टायर भी फट सकता है। सो देयर आर वेरियस डिसएडवांटेजेस, राइट। सेकेंड है, ट्यूब टायर को आपको खोलना पड़ता है। ट्यूबलेस टायर का एडवांटेज ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपका पंचर वैसे ही बन जाता है, राइट। आप सील लगा के उसको पंचर को रिपेयर कर सकते हैं विदाउट एक्चुअली ओपनिंग द रिम। ट्यूबलेस टायर में आपको रिम खोलना पड़ता है, राइट। सो वो एक हो गया। तीसरा है, ट्यूबलेस टायर्स में वो ज़्यादा गर्म नहीं होते हैं, ओके, क्योंकि उसमें ट्यूब नहीं होती है। जो ट्यूब टायर्स होते हैं ना फ्रेंड्स, वो बहुत हीट हो जाते हैं बिकॉज वो ट्यूब का और टायर के बीच में फ्रिक्शन होता है। ओके, फ्रिक्शन की वजह से वो हीट होते हैं। कौन से? ट्यूब टायर्स। तो ट्यूबलेस टायर्स में ट्यूब नहीं होती है, इसके लिए फ्रिक्शन नहीं होता ज़्यादा। ओके, तो इसकी वजह से क्या होता है, एक उसको रोलिंग रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, बट फॉर अ सिंपल टर्म्स, फ्रिक्शन की वजह से जो ट्यूबलेस टायर्स हैं वो हीट कम होते हैं, दे आर मोर कूलर, और उसकी वजह से उनकी लाइफ भी ज़्यादा होती है ट्यूबलेस टायर्स की। ओके, और दूसरा एडवांटेज ये है फ्रेंड्स कि वो ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं एट अ हायर स्पीड्स। ओके, बिकॉज उसमें अनइवन वेट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। जो ट्यूबलेस टायर्स होते हैं फ्रेंड्स, उसमें हाई स्पीड्स पे ऑन अ गुड सरफेस ट्यूबलेस टायर्स आर प्रूवन टू बी मोर स्टेबल। ओके, राइड क्वालिटी अच्छी होती है, ऐसा कहा गया है। ऑल्दो आई हैव नो, मेरा कुछ आरी फ्रेंड्स हैं जो बहुत सालों से आरी मोटरसाइकिल्स चलाते हैं, वो दे इवन टुडे दे प्रेफर स्पोक व्हील्स विथ ट्यूब टायर्स बिकॉज दे थिंक वी गेट द रियल राइट क्वालिटी जो होती है वो ट्यूब टायर्स में होती है। ओके, बट साइंस सेज अदरवाइज। ओके, नाउ कमिंग टू ट्यूब टायर्स। तो ये एडवांटेजेस देख लिए हमने ट्यूबलेस टायर्स के, राइट। और भी बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। साइंटिफिकली इट्स प्रूवन दैट Tubeless tires are far superior in lot of aspects. Okay, now why are tube tires still relevant? Okay, आज भी companies motorcycle बेच रही हैं with tube tires. तो उसका ये reason है friends, tube tires क्या होता है ना, spoke wheel जो होता है उसमें tube tire use होता है। Motorcycle company अगर spoke wheel दे रही है तो उसको tube देनी पड़ेगी, क्यों? Because there is a chances of leakage, okay, from the spoke एंकर्स। देर आर वेरियस एंकर्स, राइट, वो एंकर से लीक हो सकता है। यू नो सीलिंग द सील इज लिटिल डिफिकल्ट एंड दैट्स वाई ट्यूब दिया जाता है कि वो हवा ना निकले वहाँ से, राइट। दैट्स वाई यू गिव ट्यूब टायर्स और यू गिव ट्यूब इन स्पोक व्हील्स। ओके, सो जहाँ कंपनी ने स्पोक व्हील डिसाइड किया देना है तो उनको ट्यूब देनी पड़ेगी। ऑल्दो काफ़ी मोटरसाइकिल कंपनीज आजकल ट्यूबलेस टायर्स दे रही हैं, बट देयर आर स्टिल कंपनीज हु प्रोवाइड ट्यूब टायर्स। नाउ कंपनी स्पोक व्हील क्यों दे रही है, अलॉय व्हील्स क्यों नहीं दे रही है? उसका रीज़न है फ्रेंड्स कि जो स्पोक व्हील होता है दे आर स्लाइटली बेटर वेयर एंड टेयर रेजिस्टेंस। ओके, जैसे कोई बम्पी रोड आया ना तो वहाँ पे स्पोक के जो स्पोक्स होते हैं ना वो आपके बेंड हो जाएंगे, उनको स्ट्रेटन आउट कर सकते हैं। यू कैन एक्चुअली रिपेयर इट, यू कैन स्ट्रेटन आउट, वो क्रैक नहीं होंगे। बट जो अलॉय व्हील्स है, जहाँ पे अलॉय व्हील्स जहाँ ट्यूबलेस टायर्स में होते हैं उसमें क्रैक आ सकता है। ओके, तो वो क्रैक जो है वो रिपेयर नहीं होता है बाद में। ओके, तो उसकी वजह से क्या होगा ना कि अगर सपोज क्रैक भी आया तो हवा निकल जाती है, देयर इज़ अ चांसेस ऑफ एयर लीकेज। बट जो स्पोक व्हील है उसमें क्रैक्स नहीं आते तो हवा लीक नहीं होती है। ओके, एंड इट प्रोवाइड्स मोर फ्लेक्सिबिलिटी। यू नो, स्पोक व्हील्स जो होते हैं वो ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं अनइवन सर्फेसिस पे। दैट्स वाई डर्ट बाइक्स वगैरह में आपने देखा होगा जो स्पोक व्हील्स होते हैं, तो जहाँ अनइवन सर्फेसिस हैं वहाँ पे स्पोक व्हील्स देती है मोटरसाइकिल कंपनी। और स्पोक व्हील का की वजह से उनको ट्यूब देनी पड़ती है, बिकॉज वो रिम में से जो मैंने बताया स्पोक के जो एंकर्स होते हैं उसमें से लीकेज होने का चांसेस होता है, उसको सील नहीं कर पाते हैं 100%। ऑल्दो देर आर टेक्निक्स और कभी कभी वो लीक होता भी नहीं है, बट देर आर टेक्निक्स जहाँ से उसको कर सकते हैं, बट स्टिल वो प्रूवन नहीं है। अलॉय व्हील्स इज़ 100% लीक प्रूफ। ओके, हमको टेक्नोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए, राइट? जब आप मोटरसाइकिल लेने जाते हैं मोस्टली क्या होता है ना, अगर हमको टेक्नोलॉजी के बारे में पता नहीं है तो हम ले लेते हैं बाइक, मोटरसाइकिल ले लेते हैं ये सोच के कंपनी दे रही है ना तो अच्छा ही होगा, बट वैसा नहीं है। अगर आपके पास नॉलेज है तो आपको पता होगा कि मुझे क्या चाहिए। ओके, इट्स वाई गेनिंग नॉलेज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप काफ़ी ऑफ रोडिंग करते हैं तो यू शुड बाय स्पोक व्हील्स विथ ट्यूब। ओके, बिकॉज जैसे ऑफ रोडिंग में बहुत मज़ा आता है। मैं खुद ऑफ रोडिंग करता हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं करता हूँ। आई डोंट डू एन एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग। ओके, जैसे आप वीडियो में आप देख रहे हैं उसके लिए तो आपको स्पोक व्हील नहीं, उसके लिए तो आपको पैराशूट लगेगा। बट आई डू ऑफ रोडिंग, बट मैं स्लो चलाता हूँ। ओके, बिकॉज मेरे पास हाईनेस है, उसमें अलॉय व्हील्स हैं। अगर मैं डर्ट बाइक की वजह से उसको भगाऊँगा कच्चे रस्तों पर तो वो तो रिम ही बैंड हो जाएगा। बट मुझे बहुत पसंद है, 2-3 किलोमीटर हमेशा मैं ऑफ रोडिंग करके आता हूँ। डैम पे जाना होता है, इधर उधर जाना होता है। आई लव, बट आई राइड कंजर्वेटिवली ऑन ऑफ रोड्स, बट आई लव राइडिंग ऑन ऑफ रोड्स। तो अगर आपको ऑफ रोडिंग बहुत पसंद है तो ऑब्वियसली यू शुड गो फॉर स्पोक व्हील्स। ओके, बट अगर आप हाईवे पे क्रूज़ करते हो, दैट्स वॉट योर मेन एजेंडा इज़, दैट्स वॉट यू लव डूइंग, देन यू गो फॉर अलॉय व्हील्स, ट्यूबलेस टायर्स। ओके, अनलेस Tubeless technology evolves and caters to all riding styles and surfaces, tube is going to stay. Tube is not going to get obsolete anytime soon. Okay friends, तो मुझे बताना ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन काम की थी तो हिट द लाइक बटन, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, those who are new to my channel, do consider subscribing so that you won't miss my future videos and it will also inspire me to bring more such videos. Okay? So like and subscribe. Until my next video, ride hard, ride fair.